स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे IBPS RRB क्लर्क एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसे एग्ज़ाम ओवर हो चुका है एक ही डे का, और आपका 17-18 को बाकी है, लेकिन बहुत लोग फिर भी पूछ रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम हो गया उनको टेंशन रहता है कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट का दोस्तों, आपने देखिए लास्ट ईयर देखा होगा कि कट ऑफ का कंडीशंस क्या था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आप बहुत बहुत इसमें बहुत लोग ये हैं कि 60+ अटेम्प्ट बता रहे हैं, बहुत लोग ये भी एवरेज है, एवरेज कैंडिडेट 50-60 भी अटेम्प्ट बता रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर कुछ कुछ स्टेट में, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, आप कट ऑफ पर जाकर वीडियो स्कोर कार्ड देख सकते हैं, ठीक है, कि कट ऑफ कितना गया था। जैसे मिजोरम का शायद 28 के अराउंड गया था कट ऑफ, ठीक है। तो हम लोग इससे ये नहीं कह सकते कि मैंने 50 अटेम्प्ट किया मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, चाहे वो RRB PO हो या RRB क्लर्क हो। तो ये चीज़ आप दिमाग से आपको बिल्कुल हटा देना है कि मैंने 50 अटेम्प्ट किया मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, कट ऑफ इसमें अनएक्सपेक्टेड आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आप भले ही 50 अटेम्प्ट किए या 40 अटेम्प्ट किए या जितना भी अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, लेकिन असम त्रिपुरा में क्या रहता है, वहाँ पे एवरेज रहता है 60+ मोस्ट ऑफ द टाइम रहने का चांसेस रहता है, ठीक है, असम त्रिपुरा में। बाकी में अनएक्सपेक्टेड आपको देखने को मिलेगा, बाकी स्टेट में आप मानिए या मत मानिए, ठीक है दोस्तों। तो असम त्रिपुरा में 60+ या 70 के रेंज में, या प्लस उसके प्लस भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ऑन एवरेज। तो 60+ मैं असम त्रिपुरा का बता रहा हूँ, बाकी सब स्टेट का जो है अनएक्सपेक्टेड है। आप अच्छा 60 अटेम्प्ट करेंगे भी अच्छा है, 50 अटेम्प्ट करेंगे भी अच्छा है, डिपेंड करता है कट ऑफ क्या जाएगा। कट ऑफ कोई नहीं कह सकता दोस्तों, क्योंकि अगर हम दूसरे स्टेट के अगर बात करें तो दूसरे स्टेट में क्या देखा जाता है कि लास्ट ईयर 75 कट ऑफ था, तो ये साल कितना होता है, 74 होगा या 76 होगा, एक मार्क्स ऊपर नीचे होगा या सेम के अराउंड ही रहता है। कुछ कुछ स्टेट में आपको देखने मिला होगा कि 77 भी कट ऑफ गया है। तो ऐसा नहीं कि वो स्टेट में 60 के अराउंड कट ऑफ चला जाएगा, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। जहाँ पे ऑन एवरेज 70+ कट ऑफ आया है, वो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपको 40 कट ऑफ देखने को मिलेगा, बहुत रेयर चांस। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिल सकता है, नॉर्थ ईस्ट में कट ऑफ बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव रहे, और इसलिए मैं कहता हूँ कि मेंस की तैयारी आप करते रहें, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई जान। तो चलिए फिर, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बस सिंपल सा आपको मैसेज देना था, पॉजिटिव रहें, मेहनत करते रहें, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। आपका कमेंट जितना भी आप कमेंट मतलब अटेम्प्ट जितना भी आप कमेंट करके बताएं, और हो सके हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, ज़्यादा डिमोटिवेटेड हैं तो, ठीक है। आपको डिमोटिवेशन लगता है बहुत सारे कैंडिडेट, क्योंकि इतना हुआ है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है, उनको ये नहीं लगता है कि कट ऑफ इतना भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग मैसेज करें टेलीग्राम में, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेहनत करते रहना।